नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं यहाँ पे सालसवाड़ा में बोरीग्राम में आया हूँ, जहाँ के कैंडिडेट टीएमसी के कैंडिडेट नंदिता चौधरी जी हैं। उनसे आते आइए कुछ बात करते हैं इस इलेक्शन के बारे में कि क्या उनका सोच है इस क्षेत्र में करने के लिए, जिस कारण उन्होंने ये राजनीतिक का क्षेत्र ज्वाइन किए हैं और यहाँ के लोगों के बारे में क्या करना चाहते हैं। नमस्कार मैम, आपको पहली बार बधाई हो जब आपको टीएमसी का कैंडिडेट मिला गया है, ठीक है। और इस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो 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 काम अभी तक थोड़ा बाकी है वो करेंगे। हमारा जो पहले वाला जो विधायक मास्टर मुशे था, उनका थोड़ा थोड़ा काम बाकी है वो हम करेंगे। वो काम में ही हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद जो जो पब्लिक का जो जो इश्यूज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम घूम रहे हैं सब तरह, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कुछ इश्यूज है वो हम। बीजेपी द्वारा बीजेपी पर बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा है, चोट लगना हो चाहे आपका तलाबाजी हो चाहे आपका गठबंधन, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बीजेपी का तो काम ही है ना झूठ बोलना, बहुत बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। दीदी का जो चोट है उनके ही दिया हुआ चोट, वो बराबर दीदी को वो जो मेंटली फिजिकली चोट देते हैं, लेकिन हमारा दीदी ऐसा ही है, वो घर में बैठ के भी सारा बांग्ला के बारे में सोचते हैं एवं सब कुछ करते हैं बांग्ला के लोगों के लिए। उसके कुछ नहीं, हाँ हमारा इलेक्शन में वो जो बोल रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दीदी के छोड़ गए नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो दीदी जो जिनको खड़ा किया इलेक्शन के लड़ाया, चाहे आप डिपार्टमेंट किया मिनिस्ट्री किया, तो उसके बाद भी वो दीदी को छोड़ के चले गए बीजेपी में शामिल हो गए, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो सेल्फिश एटीट्यूड है ना, वो लोग ऐसा ही किया है। दीदी ने उनका इतना इतना ज़्यादा सम्मान दिया है, सब कुछ दिया, उसके बाद में वो लोग चले गए हैं। लेकिन उसमें हमारा ये इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस के कुछ भी खराब नहीं होने वाला, अच्छा ही हुआ, जो खराब था वो चला गया। अभी दल बहुत अच्छा पोजीशन में है, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा वोट में फिर से आएंगे, दीदी भी आएंगे, चीफ मिनिस्टर भी। तो अमित शाह बोल रहा है कि जो 60 इलेक्शन हुआ 60 सीट, उसमें से लगभग बोल रहा है कि 50 सीट लगभग बीजेपी ले जाएगी। वो तो उनका दिन का सपना है, रात का सपना में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ दीदी के हाथ में है। दीदी का ही मिलेगा ये सबसे। आप कितने मैंने दिल दोबारा है कि इस पर कितना परसेंट विश्वास करेंगे पिछली बार बंगाल के मुख्यमंत्री बने? 100% विश्वास कर रहा है दीदी तीसरी बार आएगा, लेकिन क्योंकि बंगाली जो है बांग्ला में जो बंगाली नहीं बोलेंगे हम, बांग्ला का जो रहने वाला है सब दीदी के ऊपर ही भरोसा करता है। अच्छा, आपका हावड़ा में कॉलेज लेके शुरू से डिमांड थी, जब सीपीएम की सरकार थी तब भी हावड़ा में अच्छा कॉलेज बच्चों के लिए नहीं था, टीएमसी भी 10 साल पहले वो भी वादा किया था, परंतु अभी तक तो कॉलेज अच्छा हो रहा है। देखिए, हावड़ा का हर जगह में कॉलेज है, हम जहाँ पर खड़े भी हैं इधर भी एक कॉलेज है, हावड़ा सेंट्रल हावड़ा में भी, साउथ हावड़ा में भी है, नॉर्थ हावड़ा में भी है, सब जगह में कॉलेज है। कॉलेज अच्छा अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना वाला कॉलेज है, नया कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा 4-5 कॉलेज हावड़ा में है, हावड़ा गर्ल्स कॉलेज है, बहुत कॉलेज है, हम कितना नाम लेंगे, कॉलेज तो है। ये थोड़ा नया उनका कुछ है, इसमें किसी का कुछ नहीं आना जाना है। दीदी, और बात बोलना चाहता हूँ कि द्वारे जो सरकार प्रोग्राम चालू किए हैं, तो जो बीजेपी बोल रहा है कि वर्तमान समय का ये तरह से दीदी का पब्लिक को आकर्षित करने का प्रोग्राम है। नहीं, पब्लिक का आकर्षित ये तो पब्लिक के लिए ही कर रहा है, पब्लिक का अच्छा कुछ होने के लिए ही ये कर रहा है। द्वारे सरकार पब्लिक के घर के पास जो आया है उनका हेल्प करने के लिए, इसमें वोट में भी वोट, इसके बाद वोट आएंगे, लेकिन ये दीदी का जो प्लान वो तो सक्सेस हुआ है, वो तो ठीक है, उनका तो मन में कोई दूसरा कोई ये नहीं है, ये सब ठीक है। दीदी बहुत अच्छा, उनका ध्यान बहुत अच्छा, उनका समझना बहुत अच्छा, पब्लिक के पास आ रहा है काम करने के लिए। जो इलेक्शन होने वाला है और अंतिम समय में पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इलेक्शन आने वाला है, जो चुनाव होना है, उसमें अपने क्षेत्र के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहें, दीदी का जो अंतर से दीदी जो करते हैं वही होगा, और दीदी का जो सब प्रोजेक्ट है वो और भी अच्छे से होगा। वो जो स्वास्थ्य साथी का जो अभी रुक गया है इलेक्शन के लिए, वो बहुत अच्छे से होगा, बहुत लोग अभी मिल गया है स्वास्थ्य साथी। दीदी का काम कोई डॉल देख के, कोई बीजेपी सीपीएम ऐसा देख के कुछ नहीं हो रहा है, दीदी सबके लिए ही सब कुछ कर रहा है। थैंक यू। और जैसे कि मैंने अभी नंदिता चौधरी से बात किया है, आप बहुत अच्छी मेरे सवालों का जवाब दी है, और फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है इसको शेयर करें और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।